नई है रोशनी, नई है रोशनी, अब अंधेरे पास क्या आएंगे, खिलेंगे फूल प्रगति के, चमन के लोग मुस्कुराएंगे, चमन के लोग मुस्कुराएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो इग्नू से ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, ऐसा कौन सा डिप्लोमा कर लें कि उनके जो मेन एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं उनकी प्रिपरेशन में उनको कुछ मदद मिल जाए, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी लोग लाभ ले सकें। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं जो मेन में पेपर्स हैं। तो आपको पता ही है मेन में जो स्ट्रक्चर है सात पेपरों का है ये, तो इसमें से जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमने स्टडी किया कि ऐसे कौन कौन से हैं सब्जेक्ट्स जिनको आप इग्नू के या डिप्लोमा के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं, जैसे आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर फर्स्ट है इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ऐसे कौन से सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा हैं जिन पे ये टॉपिक्स कवर होंगे उस पे बात करेंगे, और इनका डिटेल भी आपको हम बताएंगे। इसी तरह पेपर थर्ड में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इनमें से एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कई प्रोग्राम इग्नू चलाता है, जैसे कि अप्रिसिएशन कोर्स ऑन एनवायरमेंट है, PGDSD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या फिर सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपके UPSC के एग्जामिनेशन में कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा रोल है, और आप अपनी बात को किस तरह से कह पाते हैं, आपकी लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, इन सबका बड़े पैमाने पे आकलन किया जाता है। तो ऐसे में एक प्रोग्राम है, एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो इग्नू कराता है, जिसको कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन PGDT के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोग्राम आपकी काफ़ी मदद कर सकता है आपके जब आप ऐसे लिखते हैं, जब आप इंटरव्यू में शामिल होते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ जल्दी से। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, इसको साठ में PGDT के नाम से जाना जाता है। ये एक साल का डिप्लोमा है, और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी को मिलेंगी, क्या इसका किस लिए बनाया गया है आप देख सकते हैं। ये जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए यह प्रोग्राम है। 3,600 रुपये इसकी फीस है, और इसमें अनुवाद सिद्धांत और परावधि, अनुवाद का भाषाई और सामाजिक पक्ष, प्रशासनिक अनुवाद, अनुवाद परियोजना, व्यावसायिक अनुवाद के विविध स्तर और क्षेत्र। तो ये कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो आप अपने सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, यूज करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आपकी काफ़ी पकड़ हो जाएगी लैंग्वेज में। और ये जो यहाँ पे यह प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, ये दो भाषाओं में अनुवाद कराता है, एक तो इंग्लिश से हिंदी में और फिर हिंदी से इंग्लिश में। तो आपका एक पेपर भी शायद लैंग्वेज का होता है, वो वहाँ के लिए भी यहाँ से आपको मदद मिलेगी, इंटरव्यू के लिए तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, और बाकी जो आप एसे वगैरह लिखते हैं उसमें भी इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इस प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और बाकी इग्नू की साइट पे तो ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है ही। केवल आपको सर्च बॉक्स में जाके इस प्रोग्राम का कोड लिखना होगा, PGDT, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एक प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोकलोर एंड कल्चर स्टडीज़, तो PGDFCS, इसके बारे में देख लेते हैं इससे क्या आपको मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा PGDFCS आपके सामने है, और इसको करने के बाद जो बेसिकली आपको मदद मिलने वाली है, ये एक तरह से ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, साल भर का इसका ड्यूरेशन है। इसमें बहुत सारे जो कल्चर्स हैं, हेरिटेज हैं, उन सबको आपको जानने और पढ़ने को मिलेगा। आप इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है इसको देखिए, इससे ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस प्रोग्राम में क्या चीज़ें कवरअप की जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फोकलोर स्टडीज़, इमर्जिंग डिसिप्लिन सच एज कल्चर स्टडीज़, तो ये सब चीज़ें इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको जानने पढ़ने को मिलेगा। और ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2,700 रुपये इसकी फ़ीस है, और इसमें जो पेपर्स हैं आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, कल्चर एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी है, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी एंड कल्चरल प्रोडक्शन के बारे में है, कंसेप्चुअल प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है।
और ये जो तीसरा डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ DTS, ये भी आपकी पेपर फर्स्ट की मदद कर सकता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी आइए देख। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ DTS इसको बोलते हैं शार्ट में। और यह प्रोग्राम भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसके लिए तो खैर एलिजिबिलिटी केवल 12th है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है, 4200 रुपये इसकी फ़ीस है। तो आपका जो ये पेपर है उसमें आपको काफ़ी ये मदद करेगा, जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसके लिए आपका ये पेपर काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आपको पता ही है कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है ये काफ़ी रिच है, इसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं और इनको पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे से अपने पेपर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा जो आपको मदद करेगा, जैसे कि मैनेजमेंट इन टूरिज्म है, इंडियन कल्चर एंड प्रोस्पेक्टिव फॉर टूरिज्म है, फिर इसमें देखिए एनवायरमेंट एंड टूरिज्म भी है, इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड टूरिज्म, यहाँ से भी आपको मदद मिलेगी, टूरिज्म मार्केटिंग है, यहाँ से भी आपको एसे वगैरह लिखने में मदद मिलेगी। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मैंने कोर्सेज तो आपको कई बताए, अब उसमें ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपके पास कितना समय है स्टडी करने का, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप चयन करिए। अब चलिए आपका एक और जो दूसरा जनरल स्टडी का थर्ड पेपर होता है, इसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं, इसमें से इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर इग्नू के पास कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से शॉर्ट में। एक तो एप्रिसिएशन कोर्स ऑन इन्वायरमेंट होता है, ये बहुत आसान है आपके लिए करना, क्योंकि इसकी अवधि बहुत कम है, 3 महीने का ये प्रोग्राम है। बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर इस पर आपको डिटेल मिलेगा, और इसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। और एक दूसरा प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी बेसिकली इन्वायरमेंट पर आधारित है। एक तीसरा और प्रोग्राम है सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये बेसिकली तीनों ही प्रोग्राम इन्वायरमेंट पे आधारित हैं। पहला वाला जो है वो 3 महीने का है, दूसरा वाला जो है पूरा 1 साल का है, तीसरा वाला 6 महीने का है। तो आप अपने समय के हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास कितना समय है, उस हिसाब से आपको किस तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, उस हिसाब से आप इनमें से कोई एक कोर्स चूज कर सकते हैं। और एक जो आपका पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट है, जनरल स्टडीज़ का पेपर थर्ड, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को भी कवर किया गया है, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, PGDDM के नाम से जाना जाता है। तो अभी इन चारों कोर्सेज के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले ACE, तो गाइज ACE आपके सामने स्क्रीन पर, और इस प्रोग्राम की अवधि 3 महीने की है मात्र। स्कूल ऑफ साइंसेस इसको रन करता है, एप्रिसिएशन कोर्स ऑन एनवायरमेंट, और इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ग्रेजुएट लोग जो हैं वही इसको कर पाएंगे, आप तो ऑलरेडी ग्रेजुएट होते हैं, और केवल 3 महीने का ये प्रोग्राम है, मैक्सिमम आपको 1 साल मिलता है इसको कंप्लीट करने के लिए। और इसके अंदर जो बुक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी, इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट, ये कुछ बुक्स मिलेंगी। और इसमें आप ज़्यादा डिटेल देखना लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। और फ्रेंड्स एक जो दूसरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 6 महीने का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। CES के नाम से इसको जाना जाता है, और ये जो आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इसमें आपको ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म पढ़ने को मिलेगा, एक प्रोजेक्ट भी है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर, 2400 रुपये इसकी फ़ीस है, 6 महीने का ये प्रोग्राम है। और ये जो प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन है इसमें बताया गया है कि द प्रोग्राम इज़ ऑफ यूज टू जनरल पब्लिक एट एवरी एज एंड एट ऑल लेवल ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्रोफेशनल्स, इकोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्लानर्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरर्स, ETC विल बेनिफिट फ्राम दिस प्रोग्राम। तो द NGO विद देयर डिसमिनेशन कैपेबिलिटीज सेल्फ फाइंड एट वेरी यूजफुल। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप चूँकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स जो आखिरी प्रोग्राम है ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आपका पेपर है इसके ऊपर है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 1 साल का ये प्रोग्राम है, इसके डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बेसिकली जो इसके टारगेट ग्रुप्स हैं इसमें NGOs हैं, मिलिट्री पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस पर्सनस हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, डिजास्टर कैटर टू द नीड ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप्स, रूरल डेवलपमेंट फंक्शनरीज हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर फंक्शनरीज, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चूँकि आपको ये सब चीज़ें करना है तो आपको इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। इस प्रोग्राम को अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आपको मदद मिलने वाली है। इसमें आपको पढ़ने को क्या मिलेगा बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल डिजास्टर है, अंडरस्टैंडिंग मैन मेड डिजास्टर है, रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, डिजास्टर प्रिपरेडनेस है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, डिजास्टर मेडिसिन है, रिहैबिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है। अगर नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप टूअर्ड्स पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ME-D 4 का पेपर ले लीजिए, ये थ्योरी है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम केवल इंग्लिश में उपलब्ध है, इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। हाँ, आंसर्स आप हिंदी में लिख सकते हैं अगर आपका मीडियम हिंदी है। और इस प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इन ईमेल आईडीज़ और मोबाइल नंबर इन लैंडलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था, इसका मेन उद्देश्य था कि हम आपको इग्नू के कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में बताएं जो उन लोगों के लिए मददगार साबित हों जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने कुल 7 प्रोग्राम्स के बारे में बात की है। इसमें डिप्लोमा भी हैं, सर्टिफिकेट्स भी हैं, कुछ 3 महीने के प्रोग्राम हैं, कुछ 6 महीने के हैं और कुछ साल भर के प्रोग्राम हैं। तो चूंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस उद्देश्य से हमने ये कुछ इग्नू के प्रोग्राम्स बताए जो आपकी और मदद कर सकते हैं। चूंकि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो इग्नू के स्टडी मटेरियल को प्रेफर करते हैं, और अगर आप इन प्रोग्राम्स में दाखिला लेते हैं तो वो स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा और आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, और चूंकि ऐसे का भी पेपर होता है, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, तो ये प्रोग्राम आपके स्किल्स के इन्हांसमेंट में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से देख लीजिए, और बाकी आप इग्नू की साइट पर जाके और डिटेल्स देख सकते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में, और आप अपने नज़दीकी रीजनल सेंटर पर भी जाके डिटेल्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और भी जो आपके साथी हैं उनको भी बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपको हम इग्नू से संबंधित अपडेट्स उपलब्ध कराते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।